हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियांशी ठाकुर और स्वागत है आपका homeonline.com प्रेजेंट्स घर की बात में। फ्रेंड्स, जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं या बेचने जाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं, और इन्हीं सब डाउट्स और कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर विजय गर्ग, जो कि हैं बिजनेस हेड homeonline.com के। विजय जी, स्वागत है आपका घर की बात में। विजय जी, आज मैं सवाल ले रही हूँ रूपल का, जो कि है गुड़गांव से, और रूपल को कन्फ्यूजन है कि बिल्टअप एरिया, सुपर एरिया, कारपेट एरिया, ये सब क्या होता है, तो आप प्लीज़ हमारी इसमें मदद कीजिए। ठीक, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने मिशन मंगल देखी है? हाँ जी। अब आप एक मुझे फूल गोभी मंगवा दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल लैंग्वेज में बता पाऊँ। सर, फूल गोभी क्यों? अरे मंगवाइए तो सही मैडम। ओके, एक फूल गोभी मंगवा दीजिए। लीजिए सर। थैंक यू सो मच प्रियांशी। ठीक है, इसका एक बार जरा वजन कर लेते हैं। ठीक, कि इसको 1105 ग्राम को समझिए कि आपके 1105 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, और आपको पता है आपके फ्लैट के चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये मानिए कि ये आपकी लिफ्ट है, ये आपकी लॉबी है, ये आपका कॉमन एरिया है, ये स्टेयर केस है आपका, और ये आपकी, और ये आपका टेरेस है। तो सर, ये कारपेट एरिया है? नहीं मैडम, ये अभी भी कारपेट एरिया नहीं है, ये बिल्टअप एरिया है। देखिए क्या होता है, आपके घर में दीवारें होती हैं, बैल्कनीज होती हैं, वो बिल्टअप एरिया का पार्ट होती हैं। जैसे इस गोभी को होल्ड किया हुआ है ना इस ठूंठ ने, ऐसे आपके घर में दीवारों ने होल्ड किया हुआ है। तो अगर इसको निकाल दूँ मैं, ये बचा आपका कारपेट एरिया। ठीक, तो इसका वेट देख लेते हैं, 285 मतलब 285 ग्राम। अब 1105 285 मतलब 820 ग्राम। तो अब आप ये समझिए रूपल जी कि आप 1105 स्क्वायर फीट का फ्लैट था आपका सुपर एरिया, जिसके आपने पैसे दिए थे, और आपको लिवेबल एरिया, जिसको कारपेट एरिया बोलते हैं, ये 820 स्क्वायर फीट है। सर, एक छोटा सा सवाल और है हमारे मन में कि हमें पता कैसे चले कि जो हम सुपर एरिया परचेज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हमें कितना कारपेट एरिया मिलेगा? देखिए क्या है, रेरा आने के बाद ये चीज़ें बहुत सिंपल हो गई हैं। हर एडवर्टीजमेंट में रेरा नंबर देना मैंडेटरी है। कोई भी डेवलपर, आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टेट की रेरा वेबसाइट पे जाना है, ये रेरा नंबर टाइप करिए तो ये प्रोजेक्ट आ जाता है। वहाँ पर एक टैब होता है प्रोजेक्ट डिटेल, उस पर क्लिक करिए, आपको पूरा बिल्डर को की डिटेल आ जाती है कि कितना का फ्लैट है, कितना सुपर एरिया है, कितना कारपेट एरिया है। और मैं सबसे कहना चाहता हूं कि घर खरीदने से पहले रेरा की वेबसाइट पर जरूर जाएं, बिल्डर के बारे में डिटेल पता करें, अपने फ्लैट का सुपर एरिया, कारपेट एरिया पता करें, फिर डिसीजन लें। एक सीरियस बात कहूं सर? बोलिए, बिल्कुल बोलिए। कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया आपने। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में और भी सवाल हैं तो आप homeonline.com के फेसबुक पेज पे अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं, और इसी तरह आसान शब्दों में हम घर की बात में आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे।